चीन पर राहुल फिर हुए परेशान। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं। सरकार बोली आदत वाला बयान। राहुल गांधी की अपरानी आदत है, इसमें क्या नहीं। बीजेपी आग बबूला, बढ़ा घमासान। राहुल गांधी जी आज बयान देते हैं और सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात होगी चीन पर राहुल गांधी के बयान को लेकर। हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी 1 हफ्ते से लद्दाख के दौरे पर हैं, वहीं से उन्होंने चीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लद्दाख के लोगों का हवाला दिया, कहा लोग बता रहे हैं चीन अंदर घुसाया है, उनकी जमीन छीन ली है। राहुल के इस बयान पर सरकार को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तक ने पलटवार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह के बयान राहुल गांधी की आदत है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि राहुल ने क्या कहा और राहुल के बयान पर एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री ने फिर क्या जवाब दिया। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि आज तक G20 समिट के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के दौरे को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा कि जिस सड़क पर राहुल लद्दाख में बाइक सवारी कर रहे हैं वो सड़क तो देखें जरा, उस सड़क को देखने की जरूरत है, यानी को लद्दाख और इन तमाम जगहों पर विकास का दम भर रही है। दूसरी तरफ राहुल का चीन पर बयान तब आया है जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। कल से साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट होने वाला है, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। इसके बाद 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। हम आपको चीन पर राहुल के कुछ पहले के बयान भी जरा दिखाते हैं। इससे पहले 31 मई को भी राहुल ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमारे सामने शर्त भी रख रखा है। 19 जनवरी 2022 को राहुल ने कहा था कि चीन हमारे देश में अवैध पुल बना रहा है। 28 जनवरी 2022 को राहुल ने कहा था कि चीन हमारी जमीन कब वापस करेगा, सरकार को घेरा था। आज हम राहुल के ताजा बयान, कांग्रेस की चीन वाली सियासत पर चर्चा करेंगे। पूछेंगे क्या राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मुद्दे पर सियासत ठीक है, ये रिपोर्ट देखें फिर चर्चा की। राहुल गांधी लद्दाख में है, संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया और अब भारत के इस छोर से उन्होंने बोल दिया है मोदी सरकार पर हमला। कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ये मैं नहीं यहाँ के लोग कह रहे हैं, पूछ लीजिए। राहुल गांधी ने समझाया कि लोगों का कहना है कि चीन की सेना लद्दाख के इलाके में घुस आई है, उनकी जमीन छीन ली गई है। राहुल ने सवाल दाग दिया कि पीएम मोदी ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इस बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जवाब दिया खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाया चाइना को लेकर के, किस तरीके से? देखिए, वो तो राहुल गांधी की अपरानी आदत है, इसमें क्या नहीं। श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं, झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वह उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं, वो अब तक ले से पैंगोंग, वहां से रुब्रा घाटी, फिर खारदुंगला पहुंचे हैं। इस बीच वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि वो तो आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स वाली जगह पर घूमने गए।
राहुल गांधी तो ले में वो जगह देखने गए थे जहाँ पर थ्री इडियट फिल्म्स के तीन इडियट जाके बैठे थे वो झील के किनारे, वो तो वो जगह देखने गए थे क्योंकि वो ऐसी जगह ढूंढते रहते। राहुल जी जिस तरह से देश की सरकार झूठ मूठ की बातें बताती है उसका जायजा ले रहे हैं, ये लद्दाख में भी उनको समझ में आ गया कि चीन ने वहाँ पे कुछ एरिया में कब्जा किया है, अरुणाचल में भी कब्जा किया है, और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमारे देश की एक इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। आखिरी चीन ने हमारे देश में अतिक्रमण कर चुकी है। आज तक G20 समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के लद्दाख दौरे पर तीखा हमला बोला था। लद्दाख दौरे से लेकर अमेठी से चुनाव लड़ने और देश की संसद में उनके व्यवहार पर निशाना साधा था। तो मोटरसाइकिल के नीचे की सड़क देखो ना, बर्फ के साथ खेल सकते हो कश्मीर में, जहां तुम लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। राइवलरी की बात करें, राइवलरी दो इक्वल्स के बीच में हो सकती है, वो उनकी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, फर्क है। अगर इन पुरुषों को वो स्वीकार नहीं, कामकाजी इन महिलाओं को वो स्वीकार नहीं, तो देश की संसद में जनता की प्रतिनिधि महिला को वो स्वीकार क्यों होना चाहिए, इसका मुझे जवाब चाहिए। वहीं आज तक G20 समिट में असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल दागे थे। अब शी जिनपिंग भारत में आएंगे तो एक विक्टोरियस एलेक्जेंडर की तरह आएंगे कि वो 2017 में डोकलाम में हमको फंसा दिया और 2020 से हमारे डेपसांग डेमचाक और 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेल्ट पर बैठे हुए हैं, तो इस पर भी खुशी होती, गर्व होता जब हम इन सब चीजों को करते, चीन को निकाल देते। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने वाला है, इसमें तमाम ताकतवर देशों के मुखिया आएंगे, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी आने की संभावना है। ऐसे में मोदी सरकार पर चीन को लेकर ये प्रहार अभी और तीखा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, गौरव भाटिया जी राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, उदित राज साहब नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं, धीरेंद्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, ये सीधा आरोप है राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं कि पीएम ने कहा था एक इंच जमीन भी हमने नहीं दी है, लेकिन यहां के लोग बता रहे हैं कि उनकी जमीन ली गई है। गौरव जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो भी अपने देश से प्यार करता है, निष्ठावान है, समर्पित है, वो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वीर भारतीय सेना पे विश्वास जरूर करेगा। मैं शुरुआत करूंगा कुछ वक्तव्य बता के, और पूरे देश का भरोसा इन वक्तव्यों पे है। 19 जून 2020 प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कोई नहीं घुसा है भारत में, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, मैं अंजना जी ये भी बात कह दूं, कोई माइका लाल नहीं है, एक इंच भूमि भारत की कब्जा सके, हमारे वीर सैनिक कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान थे जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का, और रिपोर्ट भी आई अमेरिका तक से कि 40 सैनिक चीनी सेना के मारे गए। ये मुंह पे थप्पड़ है उन लोगों के जो प्रमाण मांगते हैं और जो कहते हैं कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। दूसरी बात, 26 जून 2023 फिर से राजनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा एलएसी पे जो स्थिति है उससे एक इंच आगे एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, भूमि भारत की नहीं कब्जाई गई। और इसी तरह से मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि वो जमाना गया कि हमारी जमीन कोई कब्जा सकता था, सुई की नोक के बराबर जमीन कोई ले सके, ऐसा कोई देश पैदा नहीं हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना ने भी यही बयान दिया है कि हमारे वतन की एक इंच जमीन कब्जाई नहीं गई, राहुल गांधी को भारत की सेना पे यकीन क्यों नहीं, प्रधानमंत्री पे यकीन क्यों नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं, गृह मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं? ठीक है। और मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखिए, चीनी सैनिक अंदर नहीं घुसे हैं,
राहुल गांधी के भेजे में ये जो चीनी शैतान है ये घुस गया है। वरना आप मुझे अंजना जी बताइए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहना सरेंडर मोदी, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री सरेंडर कर देंगे इसका मतलब है देश ने सरेंडर कर दिया। और किसने ये वक्तव्य दिया जो मैंने बताया था कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई है? अरे डंके की चोट पे कहते हैं, भारत की सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया, 40 सैनिक उनके मारे गए, और इसलिए मारे गए कि वो जमाना गया जब मनमोहन सिंह जी से सेना कहती थी 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद कि हम जवाब देंगे, और उनको खुली छूट नहीं दी जाती थी। मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चीनी सेना को खदेड़ना हो, हमारी वीर सेना ने करके दिखाया। ठीक है, इसको फिर बीजेपी सेना से जोड़ रही है, सेना के अपमान से जोड़ रही है देश के प्रधानमंत्री पर, और ऐसे मुद्दे पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मान भारत का है वहां पर प्रश्न कांग्रेस क्यों खड़ा करती है, इस पर सवाल पूछ रही है। उदित राज जी, ये हमेशा कभी धर्म के पीछे छुप जाते हैं तो कभी सेना को ढाल बना देते हैं या सच्चाई से भागते हैं। मैं डोकलाम से शुरू करता हूं, दो गांव बसा दिए गए और उसका सैटेलाइट है, एक बात। दूसरी बात है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती है, वो पेट्रोलिंग हो गई बंद। तीसरी बात है, राहुल जी आज प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, वो जीता उदाहरण है, उसका क्या जवाब है। चौथी बात यह है कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 36 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी आर्मी जाना बंद कर दिया, पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है, ये बात है। देशपांग में एक अच्छा खासा जमीन को कब्जा कर लिया है। ये सारे तथ्य को हम इन सरकार से पूछते हैं, हम आर्मी से नहीं पूछते, ये आर्मी को ढाल बनाते हैं। तो आर्मी को ढाल तो ये तो बनाते ही हैं, जैसे कि इन्हीं के एलजी ने जम्मू एंड कश्मीर के सतपाल मलिक जी ने कहा कि पुलवामा इन्होंने कराया चुनाव जीतने के लिए, तो किसी हद तक ये जा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ब्रांड इनकी बनी रहे, मोदी जी की ब्रांड बनी रहे, नहीं ब्रांड के ऊपर दाग लग जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, सच को छुपाते हैं। बात करते हैं सर 62 का 65 का बात करते हैं, यस हम तो छुपाते तो नहीं, कम से कम हम कह तो देते हैं, हम तो मोदी जी के साथ में हमारी पार्टी खड़ी होने के तैयार है। अरे भाई आप हिम्मत करो और बोलो, या अगर हम गलत कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल जी अगर झूठ बोल रहे हैं, तो भैया आल पार्टी डेलीगेशन ऑर्गेनाइज कर दीजिए देशपांग के लिए, लद्दाख के लिए, सारे पॉइंट के लिए, और डोकलम में दो गांव के लिए, अगर वो हिम्मत है तो अभी यहाँ पर सहमति बन जाए, हम कहना फिर उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। तो यह इनका आदत है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। हाँ। गौरव जी कह रहे हैं आप लोगों की आदत है झूठ बोलना, आप सेना को ढाल बनाते हैं, डेपसोंग, डेमचौक, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, तमाम जगहों के लिए वो कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाइए। हाँ अंजना जी, ऐसा है कि अगली बार आप जानती हैं इनके समय में तो रफेल भी नहीं आ पाए क्योंकि कमीशन तय करते रहे अपनी, अब तो रफेल आ गए, अगली बार रफेल जब जा रहा होगा और इनको सेना पे यकीन नहीं है, चाहिए तो यही कि जो सपोले हैं देश में उनको आगे बांध दें रफेल के, और वो देख लें कि हमारी सेना वायुसेना कितनी ताकतवर है, कैसे खदेड़ रही है। लेकिन इनकी बात का मैं उत्तर देता हूं, देखिए मैं भी शुरू करूंगा और 1962 याद दिलाऊंगा, मैंने तो डंके की चोट पे कहा भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक इंच भूमि कोई ले सके ऐसा माइका लाल है नहीं कोई। लेकिन क्या यह सच नहीं है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये चीन को दे दी गई, और विदेश नीति सोचिए कितनी खराब, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। और एक लेटर मैं आपको और दिखा दूं प्रमाण के तौर पे, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही चिट्ठी लिखी है,
जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भारत को मिलने जा रही थी तो चचा नेहरू ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए कि नहीं, अगर चीन को पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं डाला गया तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आ सकता है। क्या यह गलत विदेश नीति नहीं थी? उसी चीन ने ठगा, और चीन ने ठगा तो चीन को तो जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह बताइए क्या यह सत्य नहीं है? और मैं आज एक नागरिक होने के नाते केवल एक बात उठाना चाहता हूं, एक करार जो है वो पार्टी टू पार्टी कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया वहां की पार्टी के साथ, ये देखिए पावर में थे तब, राहुल गांधी ये करार करते हैं। अंजना जी, देश को ये जानने का हक है या नहीं है कि इस करार के अंश क्या है, क्या लिखा है? क्या इसी करार की वजह से राहुल गांधी जो गोपनीय हमारी जानकारी होती है वो चीन को देते हैं? क्या इसी करार की वजह से जब डोकलाम हुआ उसके 15 दिन के अंदर भारत के साथ नहीं खड़े थे राहुल गांधी, बल्कि चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे टेंट के नीचे? क्यों पूछा नहीं जाएगा ये करार सार्वजनिक क्यों नहीं होता? और एक बात और ऐड कर दूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, DSDBO ब्रिज, राफेल आया है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया है, अपाचे और चिनूक आए हैं, और मैं आपको ये दिखा दूं, ये प्रमाण लेके आया हूं, AK एंटनी जब हमारे रक्षा मंत्री थे 6 सितंबर 2013 को सवाल पूछा गया कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा, तो AK एंटनी ने ये बोला कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना ही अच्छी नीति है, और इसीलिए हमने 9 सालों में और उससे पहले जो ये 40 साल सत्ता में रहे हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। आप बताइए क्या ये जवाब शर्मसार नहीं करता कि आपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी और VVIP चौपर पे आप घूमना चाहते थे, आप लोग बड़े बंगले में रहे और हमारे सैनिक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना हो, उसके पास बुलेट ना हो, उसके पास अस्त्र और शस्त्र ना हो, ऐसी कांग्रेस की निकम्मी बेईमान भ्रष्टाचारी और गद्दार सरकार थी। ठीक है, जिसको मैं उदित जी के पास वापस जाऊंगी, एक बार आशुतोष वर्मा जी आपसे और धीरेन जी से एक रिएक्शन लेकर। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी भी घेर रही है। अच्छा उदित जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। उदित जी ठीक है, आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। उदित जी कौन सा पेपर मांग रहे हैं? उदित जी पेपर तो लेके बैठना होता है। हाँ, आप उनसे पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछेंगे? आप ही से पूछा उदित जी, आपने हाथ उठाया ना, जवाब देना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं आप लोगों ने सेना की चिंता नहीं की मोदी सरकार ने की। हमने सोचा कि आप उनसे पहले। नहीं नहीं, आप आपसे पूछ रहे हैं। देखिए इन्होंने बहुत इन्होंने बड़ी चिंता करी, तो ये बताए कि जो लद्दाख में हमारे 20-22 सैनिक शहीद हुए थे, क्या वो हमारे सीमा में आके उन्होंने शहीद किया था? पहले उन्होंने किया था कि पहले हमने किया था? एक दूसरी बात है कि क्या हमारे सैनिक चीन की सीमा में गए थे जो शहीद हुए? अगर सब बुलेट प्रूफ था, सब कुछ था, तो पहले शहीद कैसे हुए? एक दूसरी बात है कि सब कुछ बॉर्डर पर ठीक है तो 13-14 बार बल्कि 16-17 बार इतना फ्रिक्वेंट जो इंगेजमेंट होता है आर्मी के स्तर पर कभी नहीं हुआ है। ये तीसरी बात है, मैंने तो कहा इस बात का कि ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाएंगे, तैयार हैं ये, है हिम्मत? झूठ बोल बोल करके। और ये चाइना के बारे में जो कहते हैं, एक पीएम केयर फंड में लेने के एवज में ही क्या चाइना से इंपोर्ट बढ़ा दिया? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें किया कि चाइना का टिकटॉक बंद कर दिया, चाइना के वस्तुएं बंद कर देंगे। आज अंजना जी 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड डिफिसिट है, चाइना से इंपोर्ट मैक्सिमम बढ़ा है, उसकी क्या कीमत है? क्या उसी के लिए मोदी जी चुप है? एक इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात है, जब ये इनकी BJP कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने जाती है तब तो पॉलिटिकल डेलीगेशन होता है, अब हम मिलने जाते हैं तो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं होता। व्यवहार पे आए, हमें नहीं कह रहे कि 1962 में और 65 में क्या हुआ,
छुपाया नहीं हमने, आप छुपा क्यों रहे हैं भाई? चरवाहों से बात कर रहे हैं राहुल जी, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, छुपा क्यों रहे हैं? ठीक है, देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, मोदी जी जुबान तो खोलो, आंख लाल लाल तो दिखाओ, ये दिखाओ पीएम केयर फंड में किस लिए पैसा आपने लिया है। आप सब कुछ करें, ब्लेम दूसरे के ऊपर इसलिए डाल देते हैं कि आपके ऊपर, ताकि वो नजर न दिखाए। इसका एक का जवाब दे नहीं पाएंगे, फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट तक चले हमारे साथ। भाटिया जी है जिम्मेदार साथी है, विद्वान साथी है, अपने पार्टी से बातचीत कर ले, डेलीगेशन बनाए, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगर एक इंच जमीन नहीं गई कोई बात ही नहीं रह गई, हम अपनी बात को वापिस ले लेंगे। इसका जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास। वो कह रहे हैं वहां पर वो जो चरवाहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी जमीन का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में सच सामने आना चाहिए। अंजना जी बहुत ध्यान से मैंने उदित भाई की बात को सुना, उन्होंने एक सवाल किया जो बड़ा वाजिब लगा मुझे, उन्होंने कहा बॉर्डर पे सब ठीक है क्या? उदित जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बॉर्डर पे तो सब तभी ठीक हो पाएगा जब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन भारत की चीन ने चाचा नेहरू के जमाने में कब्जा ली थी वो वापस ले आएंगे। जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक वहां बफर जोन की लड़ाई है, वहां लड़ाई है एलएसी की। आप लोग अक्साई चीन वापस लेके आने की बात कर रहे हैं, गौरव जी, गौरव जी हमारे दर्शक भी समझे, अक्साई चीन वापस लाने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने भारत का नक्शा अंजना जी देखा है ना? भारत के नक्शे में जो जमीन चीन को चली गई चाचा नेहरू की गलतियों की वजह से है, और जो पाकिस्तान ने कब्जा ली है उसको हम वापस क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, डंके की चोट पे कहते हैं, हमारा तो यही कर्तव्य है, और कोई ला सकता है तो मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सवाल आज बड़ा ये है, जो गद्दारी करके एमओयू करते हैं, तो मैं भी उदित भाई से पूछना चाहता हूं, उस एमओयू में ऐसा लिखा क्या है? क्या राहुल गांधी ने इलू इलू लिख दिया? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते, छुपा क्यों रहे हैं? 1,37,00,000 रुपए रिश्वत ले ली आपने चीन से, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी मेमोरियल ने। क्या आप आज यहां चैनल पे बता सकते हैं वो 1,37,00,000 रुपए लौटाए हैं, या उससे ही आजकल राहुल गांधी इधर उधर जाते हैं घूमने फिरने? वो जो बाइक थी कहीं वो चीनी रिश्वत से तो नहीं है? दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूं, सरेंडर मोदी कोई कहे अंजना जी, और मेरे हाथ में प्रमाण है, मैं आपको दिखा देता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी जो एक सांसद थे तब और चीन को हम खदेड़ रहे थे, एक सांसद अपने प्रधानमंत्री के लिए लिखे सरेंडर मोदी, अगर वो सरेंडर मोदी लिख सकता है तो पूरा देश भी कह रहा है गद्दार गांधी, गद्दार राहुल गांधी। क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए सरेंडर मोदी लिखे हैं, ये कतई उचित नहीं है, और इसीलिए जनता ने आपको जवाब दिया। और अंत करूंगा एक बात कह के, 28 अप्रैल 2013 की चीनी सेना घुस गई थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? मनमोहन सिंह जी ने कहा, और मेरे पास ये न्यूज है, उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी बोले कि चीनी घुसपैठ एक लोकल मुद्दा है, इसको तूल मत दीजिएगा। मतलब घुसपैठ हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं, लेकिन उसको वो कहते हैं लोकल मुद्दा है, इसको तूल मत दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कौन सी सरकार अच्छी है? मेरी समझ से तो वो सरकार मैं लौटूंगी, राउंड टू में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? राउंड टू में उदित जी इसका जवाब दीजिए। आशुतोष जी, आज जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी उधर बयान दे रहे हैं, तो आज भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है दोनों सेनाओं के बीच में, दौलत बेगोल्डी में और साथ ही चुशुल में। क्या ये गंभीर स्थिति और गंभीर मुद्दा नहीं है जिस पर बार बार भारत को कटघरे में खड़ा करना, मोदी सरकार को करना अपनी जगह है, लेकिन ये कहना कि चीन सफल हुआ है, क्या आपको लगता है इससे बचा जा सकता है? आशुतोष अंजना जी, देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने आगाह किया था, और उसके बाद भी सदन में आगाह किया था
कि भारत का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है चाइना। उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री था, चाइना 1 किलोमीटर तक अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मैंने 4 किलोमीटर तक अंदर खदेड़ दिया उसको। तो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने पहले ही आगाह कर रखा, लेकिन सवाल बहुत बड़ी है और मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो तारीखों पे तारीख गिना के देख रहे हैं, चिट्ठियों पे चिट्ठियां गिना रहे हैं। कुछ चीजें आप भी जान लीजिए और देश को भी समझना चाहिए। 28 जनवरी 2022 को एक गांव है दक्षिणी लद्दाख में नयोमा, वो बिल्कुल LIC के पास में है, और वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन जो है उनका नाम है उर्गेन चंदोन, उन्होंने बड़े अखबार को एक इंटरव्यू दिया कि PLA का ट्रूप हमारी जमीन पे आए थे और चरवाहों के साथ में वहां खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ले नहीं गए, हम लोगों को देख के वापस चले गए। अंजना जी, क्या 5 सितंबर 2020 को तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में SCO की मीटिंग के दौरान चाइना के रक्षा मंत्री से 2.5 घंटे तक चर्चा नहीं की थी? क्या यह सच नहीं है? 11 सितंबर 2020 को एक बार फिर रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल टॉक्स में चाइना के विदेश मंत्री के साथ में LAC की स्थिति में बात नहीं करी थी? क्या पिछले 3 सालों में 18 बार बॉर्डर टॉक्स नहीं हुई है? क्यों हो रही है बातें? क्या दुनिया सवाल नहीं पूछेगी? और जब मोदी जी कहते हैं कि ना कोई 1 इंच इधर आया ना कोई 1 इंच उधर गया, ठीक उसके एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलवान की स्थिति में बताया कि चाइना के ट्रूप्स हमारे वहां टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस घुसपैठ में ही लड़ाई हुई और हाथापाई हुई। क्या यह सच नहीं है कि LAC के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में इंडियन आर्मी गश्त नहीं लगा रही है? क्या यह सच नहीं है कि हमारा जो बफर जोन है वो भारत की जमीन पे बना हुआ है? भारत सरकार क्यों नहीं एक श्वेत पत्र जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट करती है? और मुझे लगता है कि आज वो बात ध्यान देनी चाहिए जब सुषमा स्वराज जी दिवंगत नेता हैं, उन्होंने बोला कि देश में अब देश को अब सामरिक क्षमता के राह पे नहीं नापा जाता है, अब आर्थिक क्षमता के उस पे नापा जाता है, और संसद ने बोला, और इस पूरी आर्थिक क्षमता में चाइना हमारा बड़ा दोस्त है। और उन्होंने बाकी बताया कि 2014 से पहले चीनी निवेश $116 अरब था, उसके बाद अब बढ़ के $160 अरब हो गया है। और अभी हाल ही में चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम फॉर इंडिया, उन्होंने एक डाटा जारी किया है कि 2021 में पहली बार भारत के साथ निवेश $125 अरब के ऊपर हो गया है, जिसमें 97 अरब डॉलर आयात किया है भारत ने। तो एक तरफ लड़ाई भी चल रही है, एक तरफ आयात भी चल रहा है। होली में रंग चाइना के बंद कर दो, दीपावली में लाइट बंद कर दो, इससे चाइना पे नहीं काम कर पाओगे। असलियत आपको देश को बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार धीरेन जी बोलिए, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। ये सच्चाई है जो सरहद पर हो रहा है वो सच्चाई है, और दूसरी तरफ उसको रिजोल्व करने की भी कोशिश में सेना लगी हुई है, लेकिन तीसरी तरफ आप वैसे ही व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ। धीरेन जी छोटा सा कमेंट, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा दोनों की बातों का। राहुल जी अंजना जी सवाल नहीं है, बवाल खड़ा करते हैं। इनको कोई इससे मतलब नहीं है। हाँ। ये सेना की बात को नहीं मानेंगे, ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे। इनको भरोसा है आतंकियों से बात करके, इनको भरोसा है स्थानीय चरवाहा से बात करके। तो इनका तो एक सीक्रेट एजेंडा चल रहा है, और ये 1962 की बात को भूल गए। चाचा ने क्या कहा था कि भाई जब अक्साई चीन के बात पे, जब उस समय के महावीर त्यागी सांसद थे, उन्होंने कहा था कि वो जमीन अक्साई चीन वाली कब लाओगे, तो उन्होंने कहा था कि वहां घास भी नहीं उगता है। तब उस पर देखिए कि कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं सर काट के दे दूं। और इन लोगों को तो बेशरम पार्टी के लोग हैं, आज तक वो वापस नहीं ला सके, लेकिन सवाल पे सवाल और बवाल पे बवाल खड़ा किए जा रहे हैं। ये मोहब्बत का पैगाम देने वाली बात करते हैं और भ्रम और झूठ फैलाने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इन लोगों की कायरता भरी काम, और पहले कांग्रेस को रशिया चलाया करता था, आज के समय में ये चीन चला रहा, पता नहीं क्या सीक्रेट डील है। लेकिन इनको विदेश की बातों पे, भारत के विरोधी देशों के बातों पे अंजना जी ज्यादा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी को चीन चला रहा है धीरेन कुमार? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को चीन चला रहा है। अच्छा, ये हाँ। ये कहाँ दिल्ली बैठे हैं कि पटना? नहीं नहीं, मैं तो अभी पटना में बैठा हूँ। पटना से आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चीन चला? नहीं, इनकी इनकी
नहीं, इनके सभी जगहों पर इनके जितनी भी कार्रवाई आजकल बोल जो रहे हैं और जहां से इनको फंडिंग आ रही है वहां से ये साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं, अरे अरे भाई आप चुप रहिए ना, आप तो धैर्य पूर्वक सुनिए, रसिया ही चलाता था कांग्रेस को और उस समय रसिया के सांसदों ने कहा था कि कांग्रेस के 50-60% सांसद ऐसे होते थे जैसा भी बिल रसिया चाहता था वैसा पास करती थी कांग्रेस पार्टी। और आज कहीं ना कहीं वही हमको दिखता नजर आ रहा है कि चाइना भी उसी तरह का कुछ काम करे, तभी तो कांग्रेस और उनके एलाई पार्टी सभी देश के किसी भी चीजों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सीमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे खरीद जो स्मारक शक्तियों की बढ़ोतरी हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो देश को आप लोग कमजोर करना चाह रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना कि इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, क्यों नहीं अक्साई चीन की जमीनें वापस ले आए, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? और अभी तो गौरव भाटिया ने ठीक सवाल उठाया था कि यूएन काउंसिल के जगह को आपने क्यों ठुकराया। अरे भाई आप लोग शुरू से देश को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ले चलाया अपने प्रॉपर्टी के तरह। उदित जी ये बात आपको कड़वा लगेगी लेकिन यह सच्चाई है कि देश के लोग अब जागृत हो गए हैं और आत्म सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, कोई विदेशी एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ अपना देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल देसी प्रधानमंत्री है और यहाँ के प्रधानमंत्री के रोम रोम में राम है और आप लोगों के राम के पहले रोम है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जवाब दीजिए उदित राज जी। और कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा भी की थी मौजूदा परिस्थितियों में। भाई वैसे तो 18 बार सी जिनपिंग से मिले थे, मोदी जी अपना दोस्त मानते थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी पूरे देश में जाकर के प्रचार किए कि देशवासी हमें 60 महीना दे दीजिए, 60 साल में जो नहीं हुआ है 60 महीने में कर दूंगा, केवल 60 महीने। तो भाई अक्साई चीन भी आप ले लेते, फिर आप 1962 में जमीन छीनी गई वो भी ले लेते, तो जब केवल 60 महीने ही मांगा था 60 साल के बदले में तो क्यों हुआ? अभी ये कह रहे हैं कि चीन का करारा जवाब दे रहे हैं, तो आप होली के रंग को बंद कर देना, टिकटॉक को बंद कर देना। देखिए व्यवहारिकता से समझा जाना चाहिए, जुबान से नहीं। मैं भी हो सकता है आप भी कह सकते हैं या भाटिया जी या मेरी भी ये कह सकता हूँ पार्टी लाइन, लेकिन व्यवहारिकता क्या है? ये जो अभी भाई एलजेपी के भाई कह रहे हैं, आप ये जानते हैं जब से बहिष्कार का नारा दिया तब से लगातार चाइना से इम्पोर्ट भारत में बढ़ गया, लगातार बढ़ता गया है। अरे भैया किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं भाई, किस तरह का आत्म भारत बन रहे हैं भाई? और अमित शाह जी ने कहा था कि अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे, तो भैया कब जान देने जा रहे हैं लेने के लिए? ये भी संसद के पटल पर उन्होंने कहा था। और सेना को बीच में मत लाया करें, सेना को ढाल बनाते हैं बात, अगर सेना को ढाल बनाते हैं तो 1962 की सेना से पूछे, अगर सेना से जवाब इनको दिलवाना है तो 1962 की सेना से ही पूछे, सेना से पूछे, फिर बीजेपी कांग्रेस से न पूछे, कांग्रेस एलजेपी से न पूछे, समाजवादी पार्टी से न पूछे। तो कृपया आप सेना को ढाल मत बनाइए, इमोशनल कार्ड मत खेलिए, इसको खेलना बंद कर दीजिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम तो कह रहे हैं ना कि ऑल पार्टी मीटिंग बंद हो जाए, हम चले चलते हैं, देख लेते हैं क्या सच्चाई है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर और प्यांगोंग लेक के ऊपर क्या है, देशबांग में क्या है, डोकलम में क्या है, अरुणाचल में क्या है, चलो भाई चलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी बात आपकी बात सच हो जाएगी। तो ये ट्रेड क्यों बढ़ता चला जा रहा है चाइना सा, जब टिकटॉक ट्रेड क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, ठीक है, उदित जी यही सवाल पूछ रही हूँ उनसे, यही पूछ रही हूँ उनसे, गुलाल से लेकर दिवाली की लाइट्स, आखिर ट्रेड जो हमारा है, ट्रेड डेफिसिट आप देखिए भारत का क्या है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आप व्यापार उनसे करते हैं और फिर कहते हैं कि सरहद पर ये हो रहा है वो हो रहा है हम संभाल रहे हैं। गौरव जी, अंजना जी अगर आप अनुमति दें तो ट्रेड का मुद्दा उठाया गया, मैं अंत में इस पे जरूर आपको उत्तर दे दूंगा, लेकिन पहले दो तीन बड़ी बातें करना आवश्यक है।
अंजना जी, आप एक नागरिक हैं, पत्रकार हैं, मैं एक नागरिक हूं, पूरा देश अगर ये जानना चाहता है कि वो चीन के साथ जो एमओयू किया, जब आप सरकार में थे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और ये मैं तब कहता हूं, मैं संविधान का ज्ञाता भी हूं, मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी बनती है तो सबसे पहले ये शपथ पत्र देना होता है कि जो हमारी नेशनल इंटेग्रिटी है, संप्रभुता है, उसका ध्यान में रखेगी और ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी जिससे कि संप्रभुता पे चोट पड़े। तो अगर उसको सार्वजनिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी अब नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसमें इनको रिश्वत भी आती है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस नेता तमाम गोपनीय जानकारी चीन को देते हैं। और ये मैं खासकर अगर आप डोकलाम के बाद चीनी राजदूत से जो मिले हैं उसको संज्ञान में लेते हुए सोचे तो सत्य भी लगेगा। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कांग्रेस पार्टी को चीन चला रहा है, साबित करिए, यही तरीका होना चाहिए, साबित करिए। और मैं ये कहता हूं कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि चीन की सेना भारत की भूमि पर घुस गई है तो राहुल गांधी से भी पूछा जाना चाहिए, साबित करिए, क्योंकि विश्वसनीयता किसकी ज्यादा है, भारत की सेना की, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, खाता ना बही, जो भारत की सेना कहे वो सही। अगर आप आरोप लगाते हैं, सेना को आप बीच में लाते हैं, आप कहते हैं भारत की सेना पिट गई, तो उदित जी सेना को बीच में आप लाए तो प्रमाण पूछा जाएगा कि प्रमाण दो, कैसे कह रहे हो भाई, ये बताओ, नहीं बता पा रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपको ट्रेड की भी अब बता दूं क्योंकि आपने पूछा है, जो व्यापार हुआ है इंपोर्ट 2004 से 2014 इनकी जो सरकार रही ना अंजना जी, 600% बड़ा था जो इंपोर्ट था, हमारे 9 वर्ष में ये करीब 60% बढ़ा है। और एक आंकड़ा और दे दूं कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, 2014 में जो मोबाइल फोन का इंपोर्ट था ये करीब 48,600 करोड़ था, आपको मालूम है पिछले वर्ष में ये कम होके 11,200 हो गया चीन से जो मोबाइल आते हैं। ये क्या दर्शाता है, हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे कि चीन को चोट पहुंचे और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अखंडता मजबूत हो। लेकिन आप भारत में रह के अगर देश को अंदर से खोखला करेंगे दीमक बन के, तो मैं समझता हूं ये चिंताजनक है। और ये सवाल बार बार हर एंकर और हर नागरिक के द्वारा पूछा जा रहा है कि वो जो समझौता किया है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते, उसमें ऐसा कौन सा भेद छुपा है कि मक्कार कांग्रेस पार्टी उसको सार्वजनिक नहीं कर सकती है, ये बात जरूर बताइए। और अंत करूंगा, आपने बिल्कुल सही बात उठाई, विदेशी धरती पे जब राहुल गांधी जाते हैं तो भारत के लिए कहते हैं लोकतंत्र मर गया है, लेकिन चीन के लिए उनके शब्द थे चाइना इज अ कंट्री ऑफ हार्मनी, चाइना में सौहार्द है, भारत का लोकतंत्र मर गया है। और चीन के लिए कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर, ये जो प्रकृति है इसकी ताकत है चीन के पास। मैं पूछना चाहता हूं, कोई नागरिक हो सकता है जो विदेशी भूमि पे एक ऐसे मुल्क की प्रशंसा करे जो मुल्क भारत के लिए गलत नियत रखता है, जिसने हमारी जमीन कब्जाई है? और इसीलिए कहता हूं इनका जो रिश्ता चीन से है वो ज्यादा प्रगाढ़ है, और जो हमसे है वो कमजोर है, क्योंकि भारत से इनको मोहब्बत नहीं। और अंत सपा का भी जवाब दे दूं, सपा के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा, कम से कम आप कभी भी सेना को लेके, हमारी भूमि को लेकर कुछ मत बोला करिए, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ राम गोपाल यादव ने कहा कि सैनिकों की जान भाजपा ने इसलिए ली क्योंकि उसको वोट चाहिए था, धिक्कार है, देश को आपने शर्मसार किया, ये राम गोपाल यादव का है। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, आजम खान ने सेना को धन के आधार पर बांट दिया अंजना जी, और उन्होंने कहा कारगिल की चोटी फतेह करने वाले जो सैनिक थे वो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। दम है अखिलेश यादव में एक बार बोले कि नहीं सेना को धर्म के आधार पे मत बांटो, अभी क्या भाजपा ने ऐसा किया? नहीं किया, सेना की एक पहचान हमारा हिंदुस्तान। आशुतोष नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात से इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भारत की सेना सर्वोच्च कोटि की है,
और चीन हमारा पहला दुश्मन है। और दूसरी बात, ये बातें बोलते हैं, सवाल ये बोले, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक मिनट गौरव जी, इस तरह की बात बात की, भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवक्ता ये बताएं कि जब चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो उनके साथ झूला कौन झूल रहा था, ये भी देश को जानना चाहिए। और अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस प्रकार का बयान चाइना को लेकर दिया, वो बड़ा निंदनीय और बड़ा चोट करने वाला है। उन्होंने कहा हम चाइना को आप कैसे दिखाएं, इट इज अ बिग इकोनॉमी, मतलब चाइना को आप इकोनॉमी से देखते हैं, चाइना को आप शत्रु नहीं मान सकते हैं। और व्यापार के बारे में आपने बताया, भारत चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, जो उनका मुखपत्र पीएलए का, उसे साफ साफ बोला है कि हमारा पिछले पांच सालों में हमारे साथ भारत का सबसे बड़ा आयात हुआ है और वो हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल पार्टनर हो गया है निर्यात में, मतलब उनके निर्यात में, मतलब भारत के आयात में। और वहां की केमिकल इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 70% केमिकल चाइना से ही जाते हैं, अगर हम रुक जाएं तो उनकी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी रुक जाए। इस तरीके की बातें लिखते हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती, आप झूला झूलते हैं और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और विदेश मंत्री के उस सवाल पर प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए कि इट्स अ बिग इकोनॉमी, हमारे सेनाओं को वो दौड़ के मारते हैं, टेंट लगाते हैं। आपने हमारी एक बार भी बात नहीं बताई कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 26 में भारतीय सेना गश्त नहीं लगा पा रही है और आप वहां पे राजनीति खेल रहे हैं, आप बिजनेस खेल रहे हैं और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। 10 साल तो सरकार आपकी है, जवाब हम देंगे। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे बैठ के आप बहस कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए कि हम खुद खड़े। अच्छा, रक्षा मंत्रालय का संसदीय समिति है, एक बार भी चर्चा हुई संसद में, स्थायी संसदीय समिति होती है, एक बार भी चर्चा हुई रक्षा मंत्रालय में, कमेटी बना के रखी हुई है, लेकिन जवाब नहीं देंगे क्योंकि जानते हैं वहां से राजनीति नहीं चलती, राजनीति तो पाकिस्तान से चल रही है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है इससे राजनीति चल रही है, ठीक है। चाइना से आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। उत्तर दे दूंगा अंजना जी, शांत करा लीजिए। हाँ, एक एक करके आज तक पे चुनौती देता हूं, अगर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने ये कहा हो चाइना को आंख कैसे दिखाएं, बड़ा देश है, चुनौती देता हूं अगर ये बात कही, पूरा दिखा लीजिए। देख लीजिएगा। उन्होंने कहा भारत, बहुत शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, चुनौती दे दिए, ट्वीट कर दीजिएगा, अंजना जी को भेज दीजिएगा। अरे चलिए चलिए चलिए, अरे आप जैसे लोग बहुत, ये सब नहीं, अपनी बारी में बोलिए। अंजना जी, हम सब ने वो इंटरव्यू पूरा सुना है, समाजवादी पार्टी में प्रचलन नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का, इसलिए ऐसे वक्तव्य देते हैं। बल्कि जयशंकर जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही, भारत आज वो मजबूत देश है कि वो किसी भी देश को सबक सिखा सकता है। और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री सब कह रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि देश से गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी और सपा को क्या खुशी मिलती है। मैंने पूछा पुलवामा में रामगोपाल यादव ने कहा, और बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों को मरवा दिया, इसका मतलब पुलवामा करवाया गया, क्या आपको उत्तर मिला? नहीं मिला। और मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम झूला झूल रहे हैं इस तरह के वक्तव्य मत दिया करिए। मुझे पता है आपको डिप्लोमेसी का डी नहीं आता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी डायलॉग करते हैं और वो सफल होता है तो बहुत अच्छा, अगर विफल होता है तो भी ठीक। ठीक है गौरव जी, इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा, लेकिन चीन पर सियासी चक्रव्यूह बन गया है और उसको लेकर जो राजनीति है उस पर आप देख रहे थे बहस।